तो ये पंच तत्व का बना हुआ ये जो शरीर है मेरे भाई बहन, प्राणी पात्र जलचर थलचर नवचर, इनमें कुछ न कुछ मात्रा में तो पंच तत्वों में से कुछ न कुछ होता ही है। ये सभी भूत जो हैं इनके हृदय में जो निवास करता है उनका नाम ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूतानां, केवल मनुष्य ही नहीं। तो एक ईश्वर की परिभाषा यहाँ प्रकट होती है भगवत गीता में कि प्रत्येक के हृदय में नित्य निवास करें वो ईश्वर है।